अस्सलाम वालेकुम। जब भी हमारे बर्ड्स फंगस वाली गजा खाएंगे, प्लास्टिक, रबर बैंड, घास के लंबे लंबे तने या ज़्यादा रेशे वाली गजाओं का कसरत से इस्तेमाल करेंगे, खुराक कम मिले, भूख लगी हुई हो और बर्ड्स बिस्तर वगैरह यानी छिलका खाते रहें, बहुत ज़्यादा मकदार में रोटियाँ खा लें या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे हज़म ना किया जा सके, तो पोट की बंदिश के मसाइल सामने आते हैं। बंद पोट की शिद्दत के मुताबिक आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद होते हैं, जो सस्ता और आसान हो उसे इस्तेमाल में लाइएगा। बहुत ज़्यादा मकदार में बर्ड्स बासी रोटियां खा लेते हैं, पोटा ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में सेब का सिरका देने से भी चिकन को सेहतयाब किया जा सकता है। कसरत से लंबे तने वाली घास या रेशा वाली गजा को बर्ड ज़्यादा मकदार में खा लेते हैं तो क्रॉप यानी पोटे को फ्लश करना चाहिए, जिसके लिए आधा कप पानी में आधा चम्मच नमक मिक्स करें और इसमें से सरिंज में पानी भर के वक्फे वक्फे से दिन में 3 मरतबा दो दो कतरे बर्ड के मुंह में डालें। खुराक और पानी के बर्तनों की मुकम्मल सफाई रखा करें और मुतासरा बर्ड को आपने फौरन अलग करके ठीक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसका खाना पीना कम होगा तो कम पानी पीने की वजह से जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन के इम्कान पड़ जाते हैं। चिकन्स की गर्दन के निचले हिस्से पर मौजूद पट्ठों की बनी हुई ये थैली, जिसे हम क्रॉप का नाम देते हैं, इसमें एक महसूस दुरानिया के लिए गजा जखीरा होती है और फिर यहाँ से मैदे यानी प्रोवेंट्रिकुलस और गिजड की जानब मुंतकिल होती है, यानी बर्ड चूज के जरिए दाना उठाता है और इस दाने को जुबान खुराक की नाली में धकेलती है, जहाँ से गजा इस थैली से होती हुई प्रोवेंट्रिकुलस तक पहुँचती है। हमें यह सीखना है कि एक बाकायदा ठीक या नॉर्मल क्रॉप या थैली किस तरह की महसूस होती है, ताकि जब भी थैली में किसी किस्म का मसला बन जाए तो हम उसकी बआसानी शनाख्त कर सकें। इस थैली का मुआयना करने के लिए आपने बर्ड को इस तरह से पकड़ना है कि उसकी दुम आपकी तरफ हो और चूँच दूसरी जानब। फिर आप एक हाथ की उंगलियों को बर्ड की छाती के बिल्कुल सामने इस क्रॉप तक ले जाएंगे। परिंदा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी आगे से ऊपर उठा हुआ ना हो। अगर आपको ये क्रॉप हाथ लगाने से बिल्कुल खाली महसूस हो, तो मतलब ये कि अब इस बर्ड का गजा खाने का वक़्त बिल्कुल करीब है, और अगर ये भरी हुई हो तो मतलब कि अब इस बर्ड को गजा खाने का अमल कुछ देर के लिए रोकना चाहिए। गजा थैली में मौजूद होगी तो ये निस्बतन सूजी हुई यह सख्त महसूस होगी, जबकि जैसे ही गजा हज़म हो जाती है तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाती है। अब वाज़ह मतलब ये हुआ कि दिन को या दोपहर या शाम को जो खुराक बर्ड ने खाई थी, अगर परिंदा नॉर्मल है, सेहतमंद है, तो ये मुर्गी दाना रात को हज़म हो जाना चाहिए और सुबह हमें ये थैली खाली नज़र आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, थैली में अब भी खुराक मौजूद है, तो वाज़ह इशारा होगा कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है। घरों में रखे परिंदों का पोट बंद हो जाए और आम घरेलू तरीकों से भी खाली ना हो, तो आपके पास कापर सल्फेट, सिरका और प्लास्टिक का बर्तन दस्तयाब होना चाहिए। आपने एक महलूल तैयार करना है और इस मकसद के लिए साफ़ सुथरे प्लास्टिक के बर्तन में 4 लीटर ताज़ा पानी भरें। आप इसी पानी में या अलग किसी बर्तन में आधा कप सिरका डालें और इसमें 200 ग्राम कापर सल्फेट डालकर अच्छी तरह से हल करें। सिरका और कापर सल्फेट के इस अमेजा को उस बर्तन में डालें जिसमें आपने 4 लीटर ताज़ा पानी भर के रखा था। अब आपके पास ये एक स्टॉक सॉल्यूशन दस्तयाब है, जिसे आप पोटे की ब्लॉकेज या पोटे की बंदिश वाले मुतासरा बर्ड को देंगे। और तरीका इस्तेमाल ये होगा कि इस स्टॉक सॉल्यूशन से 1 चम्मच लेंगे और ये 1 चम्मच पानी दूसरे बर्तन में मौजूद 4 लीटर पानी में शामिल करके परिंदों को देंगे। अगर खुद ना पी सकें तो ड्रॉपर या सिरिंज की मदद से कतरे पिलाइएगा। 2 लीटर पानी हो तो आधा चम्मच स्टॉक सॉल्यूशन मिक्स करेंगे। बंद पोट वाले बर्ड्स के लिए सुबह से शाम तक ये पानी सामने रखें और जब तक परिंदे ठीक नहीं होते तब तक यही सिरका, कॉपर सल्फेट और पानी का अमेजा इस्तेमाल करते रहें। अमूमन 24 से 32 घंटों में बर्ड्स ये पानी पीने के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा हो तो 48 घंटे भी लग सकते हैं। इस दौरान आपने किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, और जैसे ही पोट हल्का सा नरम पड़ता दिखाई दे तो फिर ऐसे परिंदों को दही यूज़ करवाएँ, जिसे आप प्रोबायोटिक के तौर पर खुराक में शामिल करके दे सकते हैं, ताकि पोट या क्रॉप में मुफीद जरसूमों की तादाद में फिर से इजाफा किया जा सके। ये वाला इलाज तब इंतहाई कारगर साबित होता है जब पोट में किसी वजह से फंगस इन्फेक्शन हो जाए, फफूंदी की नशोनुमा होने लगे, बर्ड्स के मुंह से फंगस वाली गजा खाने के बाद बदबू होने लगे और गजा मसलसल कई घंटों या एक आध दिन से इस थैली में, क्रॉप में इकट्ठी हो। अगर पोट मुकम्मल तौर पर ब्लॉक ना हो, हल्का फुल्का मसला हो, तो ज़बरदस्ती पानी पिलाएँ ताकि गजा मज़ीद नरम हो और बर्ड उसे निगल ले।
अगर शदीद पेचीदा मसला बन जाए तो सर्जरी करके भी ब्लॉकेज ख़त्म की जा सकती है, बर्ड को रिकवर किया जा सकता है। मसला कम हो या ज़्यादा, गज़ा में या अलग से लाइमस्टोन देना भी पोटे की बंदिश के मिसाइल से निजात दिलाता है। वक्फे वक्फे से पोट को मसाज करते रहना भी इस मसले का इब्तदाई मरहल में बेहतरीन हल है। पत्थर की कंकरियाँ यानी ग्रिट इस्तेमाल करने वाले चिकन्स को पोटे की बंदिश जैसे मिसाइल का सामना नहीं होता, क्योंकि कंकरियाँ कुछ देर के लिए पोटे में रुकती हैं तो उनके साथ मौजूद खुराक को पीसने का अमल यहीं से शुरू हो जाता है। लिहाजा मसले की सूरत में बर्ड को ग्रिट भी दी जा सकती है। इब्तदाई मरहल में बर्ड को पकड़कर उल्टा लटकाएं, 5 सेकंड्स तक इसी पोजीशन में रखें, फिर सीधा करें। इससे हल्का फुल्का ब्लॉकिंग मटेरियल बाहर निकल जाता है, या फिर सोयाबीन, सूरजमक्खी, नारियल या जैतून के तेल को आधा सीसी ड्रॉपर में डालकर वक्फे वक्फे से मुतासरा चिकन को कतरे पिलाएं और फिर मसाज करें। अब तक की फराहम करदा मालूमात से आपको अच्छी तरह से इल्म हो चुका होगा कि जब भी हमारे बर्ड्स इस तरह के मसाइल का शिकार होंगे उसके पीछे हमारी कोई ना कोई मिसमैनेजमेंट, हमारी ही अपनी को गैर जिम्मेदारी शामिल होती है। लिहाजा जितनी भी वो वजूहात हैं, जितने भी इस तरह के एजेंट्स हैं कि जिनके बायस हमारे बर्ड्स इस नौबत तक पहुँचते हैं, उनके हवाले से मुहतात रहना यही बेहतरीन हिकमत अमली है। जब आपके परिंदे गज़ा खा लें तो उसके बाद या तो बर्तनों को बाहर निकाल दें या फिर ऊपर लटका दें ताकि आपके चिकन्स को इजाफी जगह दस्तयाब हो सके। तंग जगह, कम जगह पे ज़्यादा बर्ड्स रखना भी इस मसले को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के मुतरादिफ होता है। अपने परिंदों को वर्जिश के लिए, एक्सरसाइज के लिए चाहे रोस्टिंग बार्स दें या कुछ देर के लिए बाहर निकालें, लेकिन उनके अंदर जो भी गज़ा मौजूद है, जो आपने पहले या दूसरे टाइम की दी है, उसे जल्द से जल्द बेहतरीन तरीके से हज़म करना ज़रूरी होता है। उम्र के हिसाब से आपने अपने परिंदों को उतनी गज़ा देनी है जितनी उन्हें दरकार होती है। किसी भी सूरत में ज़्यादा खुराक देकर फैट या ज़्यादा चर्बी ना इकट्ठी होने दें, क्योंकि इस तरह के बर्ड्स के लिए गज़ा को और मुख्तलिफ अशिया को अच्छे तरीके से हज़म करना मुश्किल हो जाता है। खुराक की ज़हीरा अंदोज़ी बेहतरीन तरीके से कीजिएगा, क्योंकि गलत तरीके से स्टोर की गई खुराक के ऊपर फफूंदी बहुत जल्द नशोनुमा पाती है और यही फफूंदी दीगर मसाइल के साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स के पोटे की ब्लॉकेज का बायस भी बनती है। हर रोज़ अपने परिंदों को दिन में कम अज़ कम 2 से 3 मरतबा लाजमी तौर पर चेक किया करें। मुख्तलिफ बर्ड्स को पकड़ के उनका मुआयना किया करें। अगर आपके परिंदों के पोटे के अंदर क्रॉप में किसी किस्म का कोई मसला बनता है तो आगाज़ से ही पहली ही स्टेज पे उसे पकड़ के उसके मुताबिक ट्रीट करें। रिहायशगाह के अंदर ऐसी कोई भी खारदार चीज़ ना रहने दें कि जिसे निकलने के बाद बर्ड का पोटा मुतासर हो। ज़्यादा देर के लिए चिकन्स को भूखा ना रखिएगा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में नीचे मौजूद बिस्तर को, बेडिंग को खाना शुरू कर देंगे। अगर वो चावल का छिलका या इससे मिलता जुलता को मटीरियल है तो ये ज़्यादा मकदार में पोटे के अंदर इकट्ठे होकर पोटे को ब्लॉक कर देंगे। रोटी जब भी दें या तो ताज़ा दें या पानी में भिगो कर। बासी रोटियाँ देना, बहुत ज़्यादा खुश्क ड्राई किस्म का मटेरियल देना, ये आपके चिकन्स के पोटे की सेहत को मुतासर करता है। पानी एक अहम तरीन गजाई जज्बा है। वो वाले फ्लाक कि जिनकी पानी तक रसाई कम होती है उनके पोटे में भी मसाइल बनते हैं। लिहाजा पानी की फराहमी का जो भी आपके पास सिस्टम है उसे हमा वक्त बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। निज़ाम इनज़ाम की सेहत को, हाजमा को ठीक रखने के लिए जितनी भी प्रैक्टिस आपको आती हैं वो लाजमी कीजिएगा, और किसी भी हाल में अपने फ्लाक को बदहजमी ना होने दें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।